बेटा लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको हम देकर गए थे. क्वेश्चन ये था, ये चार प्लेट्स हैं, इनमें फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को हमने आपस में कनेक्ट किया, सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, टर्मिनल्स निकाल दिए. तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है. सब प्लेट के बीच के डिस्टेंस भी सेम है और एरिया भी सबका सेम है. बच्चों अगर हम इसे डायग्राम कन्वर्ट करके करें, चारों प्लेट्स को नंबर दे दिए, 1, 2, 3, 4 चार डॉट लगा दिए, क्योंकि मुझे 1 और 4 को आपस में ज्वाइन करना है तो मैं 4 इधर लिखूंगा. एक कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में है, दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में है, तीसरा कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में है. 1 और 4 को आपस में ज्वाइन किया, 2 से एक टर्मिनल निकाला, 3 से दूसरा टर्मिनल निकाला. तो बच्चों साफ दिख रहा है ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों. तो C और C सीरीज में C/2 होगा बेटा. C/2 और C पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट होगा 3/2 C, और C होगा एप्सिलॉन नॉट. आई होप कि आपने कर लिया होगा. अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़े से टर्मिनल्स चेंज कर दूं, 1 और 3 को आपस में ज्वाइन करके सेकंड और फोर्थ से बैटरी कनेक्ट की, चलो इसका कैपेसिटेंस निकाल कर दो मुझे. अच्छा ये हो गया? नहीं ये नहीं हुआ बेटा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. देखिए आप, और उससे पहले वाला ठीक है. ठीक. फिर एक काम कीजिए, एक बहुत ही कॉमन चीज है उसको लिखकर इस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं. बच्चों अगर हमारे पास n प्लेट्स हों इस तरह से, और अल्टरनेट हम इन्हें लेफ्ट और राइट कनेक्ट कर दें, फर्स्ट को लेफ्ट, सेकंड को राइट, थर्ड को लेफ्ट, फोर्थ को राइट, फिफ्थ को लेफ्ट, सिक्स्थ को राइट, और बस यही ए और बी दोनों टर्मिनल है जहां बैटरी हमें लगानी है. तो बच्चों ये n माइनस 1 कैपेसिटर बनेंगे इफ नंबर ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू n, क्योंकि एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक ये. अगर आप इनको 6 प्लेट मान रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 कैपेसिटर बन रहे हैं. तो अगर n प्लेट्स हैं तो n कैपेसिटर बनेंगे और सब पैरेलल में होंगे. पैरेलल में इसलिए होंगे ना, हर कैपेसिटर की एक प्लेट प्लस है और दूसरी माइनस, आपस में जुड़ी हुई है सबका, इसका प्लस और इसका प्लस, भले ही वो नीचे है लेकिन एक जगह है. तो दीज आर n माइनस 1 कैपेसिटर्स इन पैरेलल. तो एक स्टैंडर्ड है, आप इसको कॉपी कर लें, लिख लें, समझ लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर इस डिस्कशन को यहीं छोड़ते हैं हम. लिख लेना दीज आर n प्लेट्स. कुछ दूसरे टाइप के डिस्कशन करते हैं. बच्चों ये दो पैरेलल प्लेट है,
इनका एरिया ए है, बीच का डिस्टेंस डी है, लेकिन हमने इस प्लेट को Q1 और इसे Q2 चार्ज दिया। रिमेंबर, दोनों प्लेट्स को अलग अलग चार्ज देने से इसकी कैपेसिटी पर कोई चेंज नहीं आता। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, दिए गए चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक कैपेसिटर खाली भी है तो भी उसमें कैपेसिटी तो है। एक बाल्टी में पानी नहीं भरोगे तो भैया पानी नहीं है ये बोल सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी थोड़ी ना जीरो हो गई। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस सी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, लेकिन मैंने इसको चार्ज Q1 और इसको Q2 दिया। बेटा चार्ज चेंज करने से इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा लेकिन कैपेसिटी तो सी रहेगी। आपको अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है Q1, Q2 और C की टर्म्स में। आप तो ये मान लो D और A ना देकर C ही दिया है। दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैज कैपेसिटेंस C। चार्ज Q1 एंड Q2 आर गिवन टू बोथ प्लेट्स। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, इसका आंसर आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। देखिए कैसे आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कस कर चुके, जब हम इस प्लेट को Q1 और इसको Q2 चार्ज देते हैं तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां X, यहां Q1 माइनस X, ये माइनस X, ये Q2 प्लस X, करेक्ट। फिर बच्चों हम जानते हैं कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों चार्जेस को इक्वल करते थे, वहां पर इक्वल क्यों करते थे ये भी बताया था बहुत ढंग से। अभी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, तो q1 माइनस x को q2 प्लस x के इक्वल करेंगे तो x आएगा q1 माइनस q2 बाय 2। बच्चों अगर ये दोनों चार्ज इक्वल है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हुआ है। क्योंकि ये क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और मैंने बोला ये भी इसके इक्वल चार्ज है, इसका उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसलिए दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अंदर वाले जो दोनों चार्ज है उनका एड हो रहा है, देख लो
ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये माइनस है इसका भी, तो मेरा बच्चा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होगा एक्स अपॉन ए। क्या होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो ये आएगा एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और गौर से देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी होता है, तो हमारा आंसर आ गया एक्स अपॉन सी, और एक्स की वैल्यू मैंने आपको निकाली दी, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन टू सी। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ये तो डिस्कस किया ही था, ए रेडियस का स्फीयर है, इसे बी रेडियस के स्फीयर से सराउंड कर दिया, बाहर वाले को अर्थ कर दिया और अंदर वाले को क्यू चार्ज दिया, तो उसकी कैपेसिटी हमने निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, इस बार मैं उल्टा काम कर रहा हूं, हम लोग अंदर वाले स्फीयर को अगर अर्थ कर दें और बाहर वाले स्फीयर को क्यू चार्ज दे दें, तो इसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। अब ये मानिए कैपेसिटेंस निकालने का तरीका हमारे पास एक ही है, हम किसी भी तरह इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, क्योंकि चार्ज हमने क्यू ही दिया है और क्यू इज इक्वल टू सीवी से कंपेयर करके फिर सी निकालें। अब बात आती है सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सब कुछ पढ़ा है हमने, तो जो बेटा जब तक सी निकालने की बारी आएगी ना तो इलेक्ट्रो का रोल आएगा, और इक्विवेलेंट सी निकालने की बारी आएगी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल आएगा। तो एक बार आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, मैंने हिंट दिया है, अंदर वाले को अर्थ कर दिया इसका मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो अगर हम किसी तरह बाहर वाले का पोटेंशियल निकाल लें तो वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा क्योंकि अंदर वाले का जीरो है, और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले पर चार्ज निकालना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को तो वो याद ही होगा यार, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, ये मेरा क्लास इलस्ट्रेशन है कि अगर बाहर वाले को क्यू चार्ज दे दे और अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर दे तो अंदर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज आता है, फिर उस चार्ज की वैल्यू से बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकलेगा।
बच्चों अंदर वाले स्फीयर पर हम स्मॉल क्यू चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, एक मिनट, इनका रेडियस ए और बी है, क्योंकि वी इनर जीरो है, वी इनर होगा के स्मॉल क्यू अपॉन ए उसका खुद का, के कैपिटल क्यू अपॉन बी बाहर वाले का, इससे स्मॉल क्यू आएगा माइनस क्यू ए बाई बी, शायद याद भी आया हो, आना चाहिए, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो हमें आंसर याद हो जाते हैं, और अगर ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के याद होना वो बुरी बात भी नहीं है, हमने रटा नहीं था बैठकर, हमने प्रैक्टिस से उसको अपने आप याद किया है, और किया नहीं है हो गया, ये बोल लीजिए। मेरा बच्चा वी इनर तो जीरो है, वी आउटर निकालो, वी आउटर होगा के क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय बी, करेक्ट, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट बी, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का सम आएगा और ये क्यू भी बाहर आ जाएगा, वन माइनस ए बाई बी आएगा बेटा, एक बार देख लो को गड़बड़ ना हो जाए। बच्चों हमें पता है इनर वाले का पोटेंशियल अगर जीरो है और आउटर का हमने निकाल ही चुके तो यही खुद पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें Q इज इक्वल टू सी वी से कंपेयर करें तो C आ जाएगा 4 पाए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटेंस से बड़ा है या छोटा है, उससे मतलब जब हम बाहर वाले को अर्थ करते हैं और अंदर वाले को क्यू चार्ज देते हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां ए इंटू बी आता और बी स्क्वायर आया और बी ए से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा है। बच्चों हम कैपेसिटेंस है ना किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं, देखो अजीब सा क्वेश्चन है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है ए रेडियस का, ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है बी रेडियस का, ए एंड बी, इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस डी है और ये गिवन है कि डी जो है वो ए और बी से बहुत ज्यादा है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, एक दूसरे के अंदर भी नहीं रखे, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं हम, सोचिए कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, आप इसे देखो एक बार तो इक्वल और अपोजिट छाड़ देंगे, तो अगर हम इसे प्लस क्यू और इसे माइनस क्यू चार्ज दें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है आप ये मान लो, तो आप इसका टोटल पोटेंशियल निकालो खुद का भी और इसकी वजह से, उसका टोटल पोटेंशियल निकालो खुद का भी और इसकी वजह से, फिर दोनों का डिफरेंस को वी मान लेना और क्यू इज इक्वल टू सी वी से कंपेयर कर देना, करो मैडम।
बच्चों फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल खुद की वजह से आएगा के क्यू बाई ए, और चूंकि डी बहुत दूर है, डी बहुत बड़ा है, तो इसके हम एक दूसरे पर इंडक्शन इफेक्ट नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन डी, करेक्ट। सेकेंड स्फीयर का खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा, माइनस के क्यू अपॉन बी, नेगेटिव चार्ज है, और इसकी वजह से आएगा प्लस के क्यू अपॉन डी, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, डेल्टा वी की जगह वी लिखते हैं अपन, बेटा इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस टू अपॉन डी। आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। अब के को हम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो बेटा इसको इधर लाओगे और क्यू इज इक्वल टू सी वी से कंपेयर करोगे तो आएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी माइनस टू अपॉन डी। एक बार इस डिस्कशन को दोबारा देखते हैं यहां के बाद, यानी कि हमें अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज तो निकालना पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि ये तीन स्फीयर है, पहला स्फीयर ए रेडियस का, दूसरा स्फीयर बी रेडियस का, और तीसरा स्फीयर इनफाइनाइट रेडियस का, इनफाइनाइट का है ना। अब जो इनफाइनाइट रेडियस का तीसरा स्फीयर है उसका पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और इसका भी पोटेंशियल जीरो है। तो बच्चों आप ये दो स्फीयर मान लीजिए, एक दो कैपेसिटर मान लीजिए, एक कैपेसिटर इन दोनों से मिलकर बनाए, दूसरा कैपेसिटर इससे और इनफाइनाइट वाले से मिलकर बनाए, और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। बताओ पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि इसका और उसका पोटेंशियल जीरो है एक सरफेस का, और ये सरफेस दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका अगर इसका जीरो है उसका भी जीरो है, और इसका एक्स मान लूं तो यहां भी एक्स माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वहां भी एक्स माइनस जीरो आ गया। तो बच्चों पैरेलल में सी वन प्लस सी टू होता है, सी वन इन दोनों का है, इन दोनों का कितना होगा, मतलब इस कैपेसिटर का फोर पाए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए प्लस इसका और उसका फोर पाए एप्सिलॉन नॉट बी इंटू इनफाइनाइट, अभी मैं इसको चेंज करूंगा देखना, और इनफाइनाइट माइनस बी। बच्चों कभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है मैथमेटिक्स में, तो हम ऐसे नहीं लिखते। उस कंडीशन में हम फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको सी लिख रहा हूं, सी को इन्फिनिटी बाद में लिखूंगा, तो b इंटू सी अपॉन सी माइनस बी, में c को नीचे ले आओ, जब आप c को नीचे ले आओगे तो 1 माइनस बी अपॉन सी होगा, और चूंकि c इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
AB अपॉन B माइनस A प्लस B, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। बच्चों वैसे आप फंडामेंटल से चलेंगे ना हमें अच्छा इजी पड़ेगा, वो मेथड बहुत इजी था लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम और थी उसमें, वो प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम थी? कैपेसिटर पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, वो प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गई। कैसे दिखाता हूं, इस पर कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, वैल्यू ये है, इंडक्शन से इसके इनर सरफेस पर आएगा माइनस क्यू और बचा हुआ बाहर जाएगा, और वो जो बचा हुआ बाहर जाएगा वो इंफिनिटी वाले पर उतना ही इंडक्शन से प्लस ले आएगा। आप समझ गए? तो और दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों पर चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में, सीरीज में चार्ज का इक्वल होना पैरेलल में नहीं है, इसलिए ये वाला कैपेसिटर और वो वाला कैपेसिटर पैरेलल में, इसलिए इसका चार्ज अलग होगा, ये होगा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर कैपिटल क्यू माइनस क्यू ये होगा और उसका स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू होगा। तो दोनों पर अलग अलग चार्ज है लेकिन दोनों सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बच्चों अब हम कैपेसिटर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, दो कैपेसिटर तीन कैपेसिटर को हम पैरेलल में सीरीज में लगाकर एक इतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें तो किस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक सिंपल क्वेश्चन से चल रहा हूं मैं, दीज आर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, बहुत सिंपल चीज से चल रहा हूं ताकि आप आंसर दें इसका। इन दोनों की कैपेसिटी जो है, इसकी 20 माइक्रोफेरेड और इसकी 30 माइक्रोफेरेड है, और 10 वोल्ट की बैटरी से दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हम जानते हैं सीरीज में दोनों का चार्ज, आप उस चार्ज की वैल्यू बताइए और ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो कि सेम होगा and potential difference across them. माइक्रो कूलम 120 माइक्रो कूलम
और पोटेंशियल 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, फर्स्ट वाले पर 6 वोल्ट आएगा, सेकंड वाले पर 4 वोल्ट। बच्चों ऐसे करो इसको, अगर ये पोटेंशियल V1 है और ये डिफरेंस V2 है, सुनते जाओ, क्योंकि बेटा सीरीज में चार्ज सेम होता है तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 आएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV सेम है, C इंटू V का प्रोडक्ट सेम है। तो बेटा जैसे वहां पर सीरीज में V1 by V2 R1 by R2 होता था, यहां उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा होता है। V1 by V2 C2 by C1 आएगा, C2 by C1 कितना है 3 by 2, तो बेटा 10 वोल्ट को 3 by 2 के रेशो में ब्रेक करोगे तो 6 वोल्ट और 4 वोल्ट आएगा। जब आपके पास इंडिविजुअल V आ गया, इंडिविजुअल C पता है, तो इंडिविजुअल Q निकाल लो ना CV से, तो 6 into 20 120 और 4 into 30 भी 120। अगर अलग अलग आ जाता तो समझ जाओ कि हमने कुछ गलती कर दी। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 120 माइक्रो कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वाले पर 6 वोल्ट, सेकंड वाले पर 4 वोल्ट। बच्चों इतने इजी क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं समझो, ताकि वो जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है ना ये बता सकूं मैं, बस ये V1 by V2 या C2 by C1 होता है सीरीज में, बस ये छोटी छोटी चीजें बतानी होती हैं। नेक्स्ट, ये 10 माइक्रो कूलाम, 20 माइक्रो कूलाम, 30 माइक्रो कूलाम, सॉरी माइक्रो फैरेड, सॉरी कैपेसिटेंस, बच्चों ये 20 माइक्रो फैरेड और ये 30 माइक्रो फैरेड है ओनली, टेन है इसको, 10 माइक्रोफेरेड, और इसको अकेले को आप 30 माइक्रोफेरेड ले लो। 10 वोल्ट की बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया तो हमें 6 कैपेसिटर है, सब पर चार्ज बताना है कितना कितना आएगा। मैंने इस क्वेश्चन में सीरीज में भी 3 लगा दिए, पैरेलल में भी 3 लगा दिए, तो आपको हर तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसे।
देखो बेटा, पहले वाला कैपेसिटर 30 है, वो 20 प्लस 10 वो भी 30 हो जाएगा, वो तीनों 60 हो जाएंगे बेटा, बातें नहीं, 30 30 60, वैसे तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों को हम 30 और 30 15 मान लें, तो अगर हम इन दोनों को 15 मान लें, ये 15 माइक्रो फेरेड, क्योंकि 30 और 30 सीरीज में 15 होता है, 60 नहीं होता, ये 60 माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस अगर 1/4 के रेशियो में है तो पोटेंशियल 4/1 के रेशियो में आएगा, 4/1 होता है 8 वोल्ट और 2 वोल्ट, इस पर 8 वोल्ट और इस पर, तो ये 2 वोल्ट आ गया। अब ये 8 वोल्ट ये दोनों सीरीज में है, तो इस पर 4 वोल्ट और इस पर 4 वोल्ट आएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई? Yes, अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, V1, V2, V3 मानकर V1, V2 और V3 का रेशो C के अपोजिट रेशो के बराबर होता है। ऐसे नहीं कि 1, 1, 2 है तो 2, 2, 1 नहीं हुआ, 1/1, 1/1, 1/2, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2, 2, 1 आएगा, लेकिन हमेशा नहीं आता, तो 2, 2, 1 में ब्रेक करोगे तो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट आ जाएगा ना। नहीं समझे आप? मैं कह रहा हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, क्योंकि सीरीज में Q सेम होता है। तो V1, V2, V3 का रेशियो आएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3, तो आएगा 1/30, 1/30, 1/60, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2, 1 का रेशियो आएगा। अब मेरा बच्चा 10 वोल्ट को 2, 2, 1 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट आएंगे ना। वही चीज हमने यहां निकाल दी, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट। मतलब मैंने आपको 2-2 तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाया है, आप चाहे कैसे भी कर ले, या तो 2-2 को रिड्यूस कर ले, वो इजी पड़ेगा। बस बेटा अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, अगर इस पर 4 वोल्ट ड्रॉप है तो इस पर आ गया 4 × 3 = 120 माइक्रो कूलाम, इस पर अगर 4 वोल्ट है तो दोनों पर 4 होगा ना, तो 4 × 2 = 80 माइक्रो कूलाम और 40 माइक्रो कूलाम, और इन दोनों का सम 120 होना जरूरी है। इन तीनों पर 2 वोल्ट होगा तो इस पर 20 माइक्रो कूलाम, इस पर 40 और इस पर 60 माइक्रो कूलाम, और उन तीनों का सम 120 होगा। जैसा आपकी इच्छा हो आप लिख ले, V1, V2, V3, 1/C1, 1/C2, 1/C3 से कर ले, या उनको 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाकर कर लें। दो कैपेसिटर है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा आज शायद, डाइइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, तो एक लेक्चर हमारा डाइइलेक्ट्रिक पर पूरा जाएगा, एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। दो कैपेसिटर है हमारे पास, ये कैपेसिटर है 30 माइक्रोफेरेड, इसको हमने 2 वोल्ट से चार्ज किया, ये प्लस है और ये माइनस है। ये दूसरा कैपेसिटर है 40 माइक्रोफेरेड, इसको हमने 3 वोल्ट से चार्ज किया,
ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये डी टर्मिनल मान लीजिए। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, किस तरह से? पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, यानी कि ए को सी से ज्वाइन कर दो और सी बी को डी से, तो चार्ज फ्लो करेगा। पहली बात, क्यों करेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। और कब तक करेगा? कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर एज वेल एज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और ज्यादा ही मन है तो थोड़ी लॉस इन एनर्जी निकाल देना। तो बच्चों, ये वही डिस्कशन है जो लास्ट लेक्चर में किया था हमने। आप चाहे तो वहां के फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले यूज करने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो बच्चों, इन्हें आपस में ज्वाइन करने के बाद कॉमन पोटेंशियल हम चाहें तो फार्मूले से निकाल सकते हैं। C1 V1 60, C2 V2 120, C1 प्लस C2 70, 18 बाय 7। अगर फाइनल पोटेंशियल आ ही गया तो फिर फाइनल चार्ज C इंटू वी से निकल आएगा। दोनों पर इक्वल नहीं आएंगे चार्ज। हाँ, तो फाइनली ऊपर वाले कैपेसिटर पर चार्ज होगा इसका C और इसका V, 30 × 18/7 कितना आएगा? चलो जो भी आएगा 540/7। Q2 आएगा 40 × 18/7 720। बच्चों, अगर हम फार्मूला यूज नहीं करें तो कैसे करेंगे? वो भी उसी मेथड से जिस मेथड से ये फार्मूला आया है। भाई, इस प्लेट पर 60 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस प्लेट पर कितना है? 120। जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कहीं गायब तो होगा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इन दोनों पर फाइनल चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश आएगा, वो होगा तो इन दोनों के बराबर। और ये भी हम जानते हैं, चूंकि पोटेंशियल सेम हो गया तो Q1 डैश और Q2 डैश का रेशो जो होगा वो C1/C2 होगा। तो उन दोनों को सॉल्व करने से ही तो ये निकाला था, सेम आ जाए। बच्चों, अगर हम उल्टा करते, मैं इस कैपेसिटर को इधर देखो पलट दू, प्लस इधर और माइनस इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये माइनस और ये प्लस होती है, ये डी और ये सी इधर आ जाता। यानी उसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, ए को डी से और बी को सी से अगर ज्वाइन कर दूं तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्या चेंज आएगा आंसर में? हम लोग थोड़ा फंडामेंटल चलते हैं, हम फार्मूले में माइनस लगाए उससे अच्छा हम यू बोलेंगे। ये प्लस 60 और ये माइनस 120 चार्ज है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो प्लस 60 और माइनस 120 का सम माइनस 60 बचेगा और इन दोनों का सम प्लस 60 बचेगा। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद कम हो गया चार्ज, और पहले 180 हो रहा था, तो बस अब 60 को वैसे ही डिवाइड कर देना जैसे
180 को दोनों में डिवाइड करे थे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू 180 नहीं 60, क्या आएगा 60, और 60 में ये दोनों प्लेट पॉजिटिव होंगी और ये दोनों नेगेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे जो भी होगा हो जाएगा। बच्चों वो बच्चे जो सिर्फ इस फॉर्मूले से करते हैं, प्लस को प्लस से कनेक्ट करने पर प्लस लेना है, प्लस को माइनस से करने पर माइनस लेना है, अब मेरे अगले क्वेश्चन में वो साफ है। इसीलिए मैं मना करता हूं कि हमें हमेशा बेसिक मेथड से चलना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बताता हूं आपको। देखो जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं वही मेथड आपको मेरे अगले क्वेश्चन में भी यूज करना है, इसलिए मान लीजिए उसकी प्रिपरेशन है। ओके चलो अब जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बच्चों हमने इन दोनों को कनेक्ट किया ऐसे की ऐसे, एक कैपेसिटर ये, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इस पर चार्ज था 120 प्लस। हम लोग है ना पॉजिटिव चार्ज को ही फ्लो मानते हैं, हम नेगेटिव का चक्कर में नहीं पड़ते। मैंने मान लिया इससे x चार्ज निकला और इस पर गया, तो फाइनली इस पर कितना हो गया, और जितना इस पर प्लस होगा उतना इस पर माइनस आएगा, पक्का है। और इस पर पहले था माइनस 60, तो अब हो गया माइनस 60 प्लस x, यानी कि और ये 60 माइनस x हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला हम लिखते ही नहीं है, हम पॉजिटिव वाले प्लेट को ही लिखते हैं। अब मैंने ये प्लस माना और ये भी मैंने मान लिया ये प्लस और ये माइनस है, मानने में कुछ नहीं जा रहा आपका। अगर वो प्लस नहीं हुआ माइनस हुआ ना तो x इस तरह से आएगा कि वो नेट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नहीं समझे? मुझे अभी ये नहीं पता ना x कितना है, मैंने मान लिया x बहुत बड़ा है और x माइनस 60 प्लस आएगा, क्या बुराई है? अगर x की वैल्यू 60 से कम आई तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? समझो, अभी भी समझ में नहीं आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ लिया, हम करंट की डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं, अपने आप माइनस आएगा वो। इस पूरे में एक लूप में वो लगा दो जिसको हम किरचॉफ बोलते हैं, मतलब नेट पोटेंशियल जीरो है यार। चले मैं ऐसे चलूंगा, यहां से यहां गया, माइनस से प्लस इंक्रीज होगा डिक्रीज, कितना क्यू बाई सी, क्यू कितना है एक्स माइनस 60, सी कितना है इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस, मैं इधर आया माइनस 120 माइनस एक्स अपॉन नेट पोटेंशियल, क्योंकि मुझे तो वहीं जाना है, एक्स बाय 30 प्लस एक्स बाय 40 इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है ना, उधर जाकर प्लस 3 और ये 5 आ गया, x कितना आएगा 5 इंटू 120 अपॉन 7 कितना आएगा 600, कितना होता है 600 अपॉन 7 लगभग 5.5, इसका मतलब नहीं नहीं मैं सिर्फ इतना मेरा बच्चा मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू 60 से बड़ी है या छोटी, बड़ी है छोटी, इसका मतलब वो नेट पॉजिटिव आ गया, मैंने तुक्का मारा था अगर x 60 से कम आता, इसका मतलब फाइनली और 120 माइनस x भी पॉजिटिव आ रहा होगा, देखो क्योंकि हमें पता ये चार्ज बड़ा है तो फाइनली ये दोनों प्लेट पॉजिटिव होनी ही होनी है, करेक्ट? तो बच्चों उस मेथड से इन दोनों पर फाइनल चार्ज निकालो, और अब इन दोनों पर, अब इस पर फाइनल चार्ज कितना आ गया x माइनस 60, तो x माइनस 60 की वैल्यू आएगी 600 बाय 7 माइनस 60 कितना आ रहा है 600 माइनस 420 कितना होता है 180 माइक्रोकुलम, इसने निकाला था उस समय यही आ रहा था कि इस पर 180 पक्का, और नीचे वाला आएगा 120 माइनस x,
120 माइनस 600 बाय 7 कितना आएगा 240 बाय 7 240 बाय 7 शायद इसने बोला था पहले ये भी 240 बाय 7 और ये दोनों प्लस है तो ये दोनों ऑटोमेटिक माइनस आएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है थोड़ा डाइजेस्ट तो किया करो ये तीन कैपेसिटर हैं ए बी इसके टर्मिनल है
बेटा बातें नहीं, सी डी इसके, ई और एफ इसके टर्मिनल है, प्लीज बच्चों। 10 माइक्रोफेरेड ये है, 20 माइक्रोफेरेड ये है, 30 माइक्रोफेरेड ये है, ये प्लस माइनस है, 2 वोल्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका 4 वोल्ट है और इसका 3 वोल्ट है। सबसे पहले हम इसी तरह से इनको कनेक्ट कर देते हैं जैसे ये सामने दिख रहे हैं, बी को सी से आपस में, ये चेंज भी कर सकता है कनेक्शन, बी को सी से कर दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे यहीं की यहीं कनेक्ट कर दो जैसे ये रखे हैं। तीनों को कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद, कनेक्शन बनाने के बाद चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये तीनों एक लूप में कनेक्ट हो जाएंगे इसलिए हम इन्हें पैरेलल नहीं बोल सकते, सीरीज भी नहीं है, क्योंकि बीच में एक सोर्स होता कोई तो वो तीनों को इक्वल चार्ज देता। अब तो इन्हीं का चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये भी जरूरी नहीं है तीनों पर चार्ज इक्वल आए, तो ना तो तीनों पर चार्ज फाइनली सेम होगा ना ही तीनों के पर फाइनली पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन हमें वो वैल्यू जरूर बतानी है कि तीनों पर अलग अलग चार्ज कितना आएगा। मैं एक बार आपको हिंट दे दूं, बच्चों जैसे हम इनको कनेक्ट कर दिया, हाँ ऐसे, उसको नीचे अकेला लगा देते हैं, है ना, ये 90 माइक्रो कूलाम है, ये 20 माइक्रो कूलाम है, 80 माइक्रो कूलाम है, हम तो इधर से एक्स निकाल देते हैं, बहुत ज्यादा सोचा मत करो, बस पॉजिटिव माना करो। तो बच्चों ये 90 माइनस एक्स, और मैं सिर्फ प्लस वाला ही लिखूंगा, पहले ये प्लस था इतना तो देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 20 प्लस एक्स, भाई इसको एक्स मिला ना, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स। अब यहां से भी तो एक्स निकलेगा बच्चों, ये कभी पॉसिबल नहीं है, एक तरफ से एक्स मिल ज्यादा जाए और निकले कम, जितना एक प्लेट ने लिया है उतना दूसरी प्लेट आगे फॉरवर्ड करेगी, ये पहले कितना था, तो ये 80 और ये प्लस और ये, इसके बाद यही कर दो, हमें पता है यहां से चलकर यहां पहुंचेंगे तो नेट पोटेंशियल जीरो आएगा, शुरू हो जाए, नहीं आगे आप करो, अब आप करो फाइनली। सबसे पहले बेटा हम प्लस से माइनस जाएंगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज को माइनस लिखा, कितना डिक्रीज होगा, क्यू बाय सी, क्यू कितना है 20 प्लस एक्स, सी कितना है 10, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं डिक्रीज होगा 80 प्लस एक्स बाय 20, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं
90 माइनस एक्स अपॉन 3 वो सॉरी 30 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 करेक्ट ये माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू सो माइनस है ना एक्स बाई 10 वो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस एक्स बाय 20 और प्लस एक्स बाय 30 तो कितना बचा बेटा इसमें एलसीएम ले लो उसमें कितना 60 तो 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बचाना है तो x आएगा माइनस 180 बाय 11 माइक्रो कूलम बच्चों ये तो x की वैल्यू आई है अब आपको फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना पड़ेगा जैसे ये 1 है तो q1 आ जाएगा 20 प्लस x 20 माइनस 180 बाय 11 कितना आ रहा है 220 में से 180 गए 40 बचे ना q2 80 प्लस x 80 माइनस 180 बाय 11 ओ भैया 800 में से 180 गए तो 720 नहीं 620 620 बाय 11 माइक्रो कूलम Q3 आएगा कहां गया भाई 90 माइनस x तो 90 प्लस 180 बाय 11 1080 880 तीनों का पोटेंशियल भी निकाल कर देखो कितना कितना आ रहा है ये तो पुराना क्वेश्चन है ना ये हटा देता हूं जैसे पहले वाले का पोटेंशियल आएगा Q1 बाय C1 V इज इक्वल टू Q बाय C तो 4 बाय 11 वोल्ट दूसरा का आएगा Q2 बाय C2 तो 700 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 35 बाय 11 वोल्ट V3 कितना आएगा Q3 बाय C3 30 से डिवाइड करेंगे 108 को 3 से डिवाइड है 36 बचता है ना तो आएगा 36 बाय ना चार्ज सेम आया ना पोटेंशियल सेम आया लेकिन बस कॉन्सेप्ट कौन सा था इसके पीछे बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बस तीनों के टोटल चार्ज को कंजर्व रखा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है तो बता दो फटाफट हो जाती है कभी कभी क्या हो गया गड़बड़ हाँ वो 990 आएगा मैंने जो गलती ऊपर की वही नीचे हो गई 990 प्लस 180 कितना होता है 1100 11 और इसको 40 से डिवाइड करो ओ 30 से 117 बाय 33 39 बाय 11 हाँ बच्चों अब आप ये देखो टोटल जीरो फटाफट आ रहा क्योंकि इन दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 बाई 11 और 35 बाई 11 39 बाई 11 और इस पर 39 बाई 11 वापस बढ़ जाएगा तो टोटल जीरो आ जाएगा पहले नहीं आ रहा था जीरो इससे पता लग रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ पहले नहीं आ रहा था ना वो मैंने 36 लिख दिया था तो नहीं आ रहा था जीरो बच्चों कल और नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे इस तरह के या अभी तो पैरेलल में भी करूंगा आपस में और नोडल वगैरह भी यूज होंगे आज इतना ही ठीक है